हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का जो दिन है 23 नवंबर है, तो जैसे कि आज है हबी का बर्थडे और मैं जा रही हूँ इस टाइम पे ढाबा। तो हम जा रहे हैं मुमरा के शेजान ढाबे में। तो वहाँ का जो कंप्लीट टूर है, मतलब वहाँ के इंटीरियर है, खाने में क्या है, हम क्या ऑर्डर करने वाले हैं, सारी चीज़ें यहाँ से लेके घर से निकले से लेके ढाबे पहुँचे तक का जो भी मुझे ऐसा लगेगा शूट करने लायक, मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूंगी। और अभी मैं रेडी हो गई हूँ। जैसे कि नाइट में हम जा रहे हैं तो मैंने कुछ भी नहीं किया, खाली अपने फेस पर लगाया है मैंने एक लिप ग्लॉस और हल्का सा कॉम्पैक्ट और काजल बस। और अब मैं पहनूंगी बुरखा और बच्चे भी रेडी हो चुके हैं, हबी रेडी हो रहे हैं, उसके बाद हम निकलते हैं और हबी का जो बर्थडे सेलिब्रेशन है वो वहाँ जाके करते हैं और सारा वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। उसके अलावा अगर आपने मेरे यूट्यूब पर और भी मेरे ब्लॉग्स नहीं देखे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को जाकर विजिट करो और मेरे जो भी अपलोडेड ब्लॉग हैं उसे वॉच करो, देखो, आपको पता चलेगा कि मेरे चैनल पर आपको किस टाइप के वीडियोज़ देखने के लिए मिलेंगे। और दूसरी चीज़, मैं कोशिश करती हूँ अब बैक टू बैक ब्लॉग्स एडिट करके डालने की, पर जितना मुझसे होता मैं कर लेती हूँ, बाकी आपकी सपोर्ट की मुझे ज़्यादा ज़रूरत है। तो मैं चाहती हूँ आप मुझे सपोर्ट करें और मेरे YouTube चैनल को ज्वाइन करके मेरी एक छोटी सी फैमिली बन जाए। तो फ्रेंड्स, हम शेजान ढाबे में आ गए हैं और ये वाला जो पोर्शन है ये मिरर वाला है, एक साइड ओपन वाला भी पोर्शन है और ये इसकी एंट्री है। एंट्री लोगों ने अच्छा डेकोरेट किया हुआ है, पीवीसी वगैरह है यहाँ पर और यहाँ पे लिखा है आई लव शेजान ढाबा, देख सकते हो आप, अच्छा लग रहा है लुक। और सामने से कुछ ऐसे दिखता है और ये सारे सिटिंग एरिया बनाए हुए हैं और यहाँ भी देख सकते हो आप सारे सिटिंग एरिया है अंदर। ये पूरा वुडन का दिया हुआ है और वो जो ओपन वाला पोर्शन है वो है। अभी एक सेकेंड, यहाँ पे हबी भी आके खड़े हो गए, हमने ये वाला पोर्शन लिया है अंदर बैठने के लिए। और ये पूरा वुडन में एक रूम टाइप दिया है, साथ में टेबल गद्दे, वही ढाबे वाला स्टाइल अच्छा है। सो फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको दिखाया यहाँ वहां का इंटीरियर कैसा है और मैं बिना माइक की शूट कर रही हूँ इसलिए मुझे थोड़ा जोर से बात करना पड़ रहा है। और दूसरी चीज, आप देख सकते हो यहाँ का सिटिंग एरिया मुझे बहुत अच्छा लगा, साथ में आप देखो यहाँ पे गद्दे लगे हुए हैं, नीचे बड़ा सा टेबल, काफी सारे मुझे लगता है यहाँ पे कम से कम 10 लोग आराम से बैठकर खा सकते हैं। और प्राइवेसी का भी ध्यान अच्छा रखा गया है, कर्टन्स वगैरह लगे हैं, फैन भी अच्छे से चालू है, क्लाइमेट अच्छा है, ऐसे सफोकेटिंग नहीं लगेगा आपको यहाँ आने के बाद में, अच्छा ठंडा ठंडा फील हो रहा है। और दूसरा हो रहा है जो टेबल पर चल के ये खेलते खेलते, और ये है इनका मेन्यू कार्ड जो कि हो रहा है भाग गई है।
तो हमने मेन्यू में ऑर्डर किया है चिकन क्रिस्पी, और दूसरी चीज हमने ऑर्डर करी है खप्सा। यहाँ का खप्सा बहुत ज्यादा अच्छा और टेस्टी होता है, तो जब वो आ जाएगा तो मैं उसका फाइनल लुक आपको दिखाऊंगी और टेस्ट करके बताऊंगी मैं आपको कि वो कैसा है। और दूसरी चीज ये कि मेरे व्लॉग्स में अगर कुछ भी आपको मिस्टेक लगती है या कहीं पे कमी ऐसी लगती है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में आके उस चीज को पॉइंट आउट करके मुझे बताओ, ताकि मैं आने वाले व्लॉग में उसको और अच्छे से इम्प्रूव कर सकूं इसके बारे में। मतलब अच्छे से वीडियो अपना एडिट करके आपके साथ शेयर कर सकूं। मैं चाहती हूँ कि मेरा यूट्यूब चैनल एक बड़ा यूट्यूब चैनल बन जाए और एक मेरी बड़ी फैमिली हो साथ में। मुस्तफा और हुरैन जो है वो अपनी मस्ती में लगे हुए हैं, जब तक खाना नहीं आता है थोड़ी गपशप हो जाती है, और यहाँ पे हमी का थोड़ा बर्थडे सेलिब्रेशन हो जाए क्योंकि केक हमने रात ही कट कर लिया था, और ये हमारा से ट्रीट है जो कि हर वीक मुझे मिलती है और मैं हमेशा लेती रहूंगी। तब तक ये आप वेट करें जब तक मैं भी नहीं आ रही। तो फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया हमने मेन्यू में ऑर्डर किया था चिकन क्रिस्पी, तो आप देख सकते हैं काफी ज्यादा सॉसी है और यहाँ का चिकन क्रिस्पी सच में बहुत ज्यादा टेस्टी होगा। दूसरी चीज इनकी शेजवान चटनी का टेस्ट अच्छा है, आप नॉर्मल चावल से भी खा सकते हो और चिकन भी काफी सारे जूसी है, अच्छे से टिक किया गया इसे। इसका टेस्ट मैं आपको बताती हूँ, सच में बहुत ज्यादा अमेजिंग है। स्पाइसेस ऐसे भी नहीं है कि बच्चे नहीं खा सकते, हमने हुरैन तक को खिलाया और उसकी शेजवान भी अच्छी है, स्पाइसी है। आप यहाँ पर आओ, फूड को एंजॉय करो, आपको मजा आए। जैसे हमने ऑर्डर दिया था सेका, तो ये चिल्ली खप्सा, तो हमारा खप्सा आ चुका है। साथ में हमें मिला है चिल्ली सूप, तो देख सकते हो आप इसके अंदर चिकन के पीसेस है और ये चिल्ली सूप है, एकदम ऐसे टेस्ट भी अच्छा है, इसका टेस्ट भी काफी अच्छा होता है। ये पहले भी मैं खा चुकी हूँ। और ये है खप्सा राइस, राइस में आप देख सकते हो कि काफी खिले खिले बड़े बड़े राइस है, साथ में आपको बॉइल एग्स मिलेंगे और यहाँ रोस्टेड। मैं आपको बताती हूँ ये टेस्ट करके कहीं कैसा है। स्पाइसेस का काफी अच्छे से ख्याल रखा गया है, साथ में हमने सैलेड दी है तो मैं सबके साथ ट्राई करने नहीं चिकन भी अच्छा खासा रोस्ट किया गया है, आप देख सकते हो चिकन कितना अच्छा टेंडर हुआ है। बहुत है टाइमिंग के साथ आते हैं, टेस्ट भी बहुत अच्छा है और बजट फ्रेंडली है, टेस्ट अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। बेस्ट तो फ्रेंड्स मेन्यू में अब हमने मंगवाया है यहाँ पर ट्रिपल वेफल, इसका नाम ट्रिपल वेफल ही था शायद, ट्रिपल चॉकलेट वेफल, जिसके अंदर आपको दो वेफल दिए गए हैं,
साथ में व्हाइट और व्हाइट चॉकलेट एंड ब्राउन चॉकलेट है, चोको चिप्स है। एक सेकंड हबी, और आज है हबी का बर्थडे तो मैं हबी को फिर से अपने हाथ से खिलाने वाली हूँ वेफल, और हबी को करूंगी मैं और एक अच्छा सा विश। सो हबी हैप्पी बर्थडे टू यू हबी। फुरेन का टाइम बाद में, पहले हबी खाने वाले हैं मेरे हाथ से। कैसा है हबी? सो हाउ इज योर बर्थडे? अच्छा बर्थडे, बर्थडे अच्छा है। केक भी हमने खा लिया था पहले रात में, अब हमने वेफल मंगवाया है और अब हम वेफल खाने वाले हैं। बच्चे अपने खेल में मस्त बिजी है, और या मैं हबी को हाथ से ही खिलाऊंगी क्योंकि हबी का तो बर्थडे ना आज। हबी आज कुछ भी नहीं है मेरे पास। सो फ्रेंड्स, अब हमारा जो है डिनर कंप्लीट हो चुका है, और उसका जो पूरा रिव्यू था वो मैंने आपके साथ शेयर किया। और आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा, इसमें आपको अगर कहीं भी कोई भी मिस्टेक लगी है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बताएं। और आप इस ब्लॉग कर सकते हैं, आपको अच्छा लगेगा अपने फैमिली के साथ टाइम क्योंकि यहाँ का जो फूड एक्सपीरियंस था वो हमारा अच्छा था। और बस इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करूंगी, और इंशाल्लाह बहुत जल्द एक अच्छे से ब्लॉग के साथ वापस जरूर मिलूंगी। तब तक मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करें, अपने फैमिली में, फ्रेंड में, सब में, और अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। टाटा।